रक्षाबंधन पर्व है प्यारा, पर्व मनाता है जग सारा। भाई बहन का रक्षाबंधन, पर्व है ये तो बड़ा निराला। वो भाई है किस्मत वाला, जिसके होती बहना प्यारी, प्रथा है भाई बहन की कर रक्षा है। बहन पे सब कुछ अपना लुटाए, बहन को दुख ना कभी पहुंचाए। चाहे बूढ़ा हो चाहे बच्चा, इस दिन हर कोई खुश रहता। बहन से राखी सभी बंधाते, की भक्तों जब तिथि है आती। उस दिन होता है ये त्योहार, खुश होता सारा परिवार। ईश्वर की है ये सब माया, भाई बहन का नाता बनाया। भाई पे बहना प्रेम लुटाती, माथे तिलक लगाती, उसके बाद मिठाई खिलाती। सदा रहे खुश भाई उसका, ईश्वर से अर्जी है लगाती। भाई की लंबी आयु के लिए, भाई की सुख समृद्धि के लिए, ईश्वर से करती है वंदना। अहित कभी न हो भाई तुम्हारा, खुशियों का मिले सदा नजारा। जीवन में खुशियाँ तुम पाओ, ऊंचे मुकामों पर तुम जाओ। कामना इस दिन बहन ये करती, भाई को ये आशीष है देती। जीवन में आए हरियाली, भाई भी देता वचन है। जब तक मेरा ये जीवन है, हर पल रक्षा करूँगा तेरी, तुम हो बहना प्यारी मेरी। कब से ये हम पर्व मनाए, इसका कुछ इतिहास बताए। प्रचलित इसकी कई कथाएं, युग की बात है प्यारी। राजा बलि था बड़ा बलकारी, विष्णु जी का परम भक्त था, विष्णु जी का वो सेवक था। स्वर्ग की खातिर यज्ञ कराया, उसने एक महायज्ञ कराया। इंद्र को इसका हुआ भास, बताई बातें सारी। करिए रक्षा प्रभु हमारी, विष्णु जग के पालनहार। राजा बलि के पास में पहुँचे,
दान की खातिर उससे बोले अहम मेरा जबली ने उनको वामन रूप में थे विष्णु जी तीन पांव धरती ही मांगी राजा बलि ने हामी भर दी उनकी इच्छा पूर्ण कर दी। हरि ने तब आकार बढ़ाया उनको देख बलि चकराया देवलोक एक पग से ना पा पग को कहाँ रखूं अब बलि से विष्णु जी बोले तब राजा बलि थे वचन के पके बलि के सिर पे पांव जमाया पाताल लोक उसे पहुँचाया बलि की भक्ति हरि देख के हूँ मैं मांगो वरदान करूँगा मैं तेरा कल्याण बलि ने बोला दया दिखाओ द्वारपाल मेरे बन जाओ। द्वारपाल विष्णु जी बन के रहने लगे वो पास बलि के विष्णु जी जब पास न पाई लक्ष्मी नारद के कहने पर पाताल लोक आई भेष बदल कर बलि को अपना भाई बनाया उसकी कलाई में बांधा बलि ने अपना फर्ज निभाया विष्णु जी को तब लौटाया तभी से हम ये पर्व मनाते कहानी और है प्यारी ध्यान से सुनिए बहना सारी पांडवों ने जब यज्ञ कराया उसमें माधव को बुलवाया शिशुपाल भी उसमें आया कृष्ण का उसने मजाक उड़ाया अपने चक्र से श्री कृष्ण ने से कृष्ण की कटी थी उंगली लहू की धारा उसमें से निकली फौरन द्रौपदी आई दौड़ती कृष्ण की उंगली पर उसने बांधा कृष्ण ने तब ये वचन दिया था जब तक मेरा है ये जीवन जब हुई थी ये घटना श्रावण का था पावन महीना रक्षा बंधन तब से मनाते एक अन्य कथा है प्यारी आओ तुम्हें बतलाएं सारी बात है ये श्री गणपति जी की
बहन से रक्षा सूत्र बंधाया, शुभ और लाभ को समझ न आया। शुभ और लाभ गणेश के बेटे गणेश ने सारी बात बताई, दोनों पुत्रों ने हठ लगाई, दोनों बच्चों का है कहना ने तब एक ज्योति रचाई, पत्नियों की शक्ति में मिलाई, शक्ति से जो प्रकट हुई थी शुभ और लाभ ने बहना पाई। रक्षा सूत्र की रीति निभाई, कई हमें विद्वान बताते त्योहार मनाते। कई तथ्य बतलाए जाते, अपनी अपनी विचारधारा बहन के सपने पूरे करते, प्राण तलक न्योछावर करते। छोटा हो या भाई बड़ा हो, किसी की बहन जो होती उस भाई की आंखें रोती। लेकिन इस त्योहार पे बहना अपने भाई से मिलने आती, देश विदेश में से मनाते, भाई बहन पर प्रेम लुटाते। ईश्वर ने ये रिश्ता बनाया, मत वाली वो बहना है किस्मत वाली। जिसका होता भाई प्यारा, भाई से रोशन जग सारा। इस रिश्ते को सदा निभाओ, हंसी खुशी त्योहार मनाओ, साथ न छूटे भाई बहन का।